आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी की सबसे अमीर एक्ट्रेस कौन सी है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं और बताते हैं भोजपुरी की वो पांच बड़ी एक्ट्रेसेस जिनके पास धन दौलत रुतबा शोहरत सभी कुछ है। पांचवें नंबर पर है अंजना सिंह। जी हाँ, अंजना सिंह का दबदबा भोजपुरी इंडस्ट्री में माना जाता है। इन्हें हॉट केक कहा जाता है और इनकी दौलत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब खेसारी लाल यादव अपने स्ट्रगल के दिनों में थे तब इनकी कार यूज़ किया करते थे। अगर इनकी दौलत की बात करें तो तकरीबन 80 से 85 करोड़ की दौलत इनके पास है। मुंबई में गाड़ी बंगला और बैंक बैलेंस को मिला दिया जाए तो तकरीबन 80 करोड़ रुपए की मालकिन है अंजना सिंह। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंजना सिंह का मुकाम भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी हीरोइन की तरफ और चौथे पायदान पर हैं अक्षरा सिंह। जी हाँ, अक्षरा सिंह ने भले ही अपना करियर टीनेज से स्टार्ट किया हो लेकिन दौलत के मामले में ये किसी से कम नहीं है। बताया जाता है कि 80 से 90 करोड़ रुपए की दौलत इनके पास भी है। इसमें इनकी लग्जरी कारें और इनके फ्लैट शुमार हैं। इनकी फिल्मों और स्टेज शो और साथ ही साथ प्राइवेट एल्बमों की कमाई मिलाई जाए तो 80 से 90 करोड़ की आकी जाती है। तो यानी कि आप समझ गए ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह का रुतबा क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं भोजपुरी की तीसरी हीरोइन की तरफ। तो तीसरे पायदान पर हमारे खड़ी हैं भाई काजल राघवानी। ये है खेसारी लाल यादव के दिल की धड़कन और इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। कहा जाता है कि काजल राघवानी 90 से 95 करोड़ रुपए की मालकिन है। जी हाँ, इस गुजराती बाला ने भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने रंग में रंग लिया है। बैंक बैलेंस में ये किसी से कम नहीं है, लग्जरी कारों में इनका कोई सानी नहीं है और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये किसी से कम नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तीसरे पायदान पर काजल राघवानी 90 से 95 करोड़ रुपए की मालकिन है और तीसरे पायदान की शान ये बड़े शान से बढ़ा रही है। और अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरे नंबर पर कोई और नहीं जनाब, आपने सही आका होगा, वो है आम्रपाली दुबे। जी हाँ, आम्रपाली दुबे ने बड़े कम ही समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही किसी एक्ट्रेस की नसीब में होता है। रुतबा, शोहरत, दौलत सभी है आम्रपाली के पास। बताया जाता है कि आम्रपाली 95 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की मालकिन है। जी हाँ, आम्रपाली दुबे के पास दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इसलिए वो हमारे इस पायदान पर दूसरे नंबर पर है कि बैंक बैलेंस, लग्जरी कारें, मुंबई के पॉश इलाके में घर, सब कुछ शुमार है। और अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि पहले पायदान पर कौन है। तो भाई हम बता दें, पहले पायदान पर कोई और नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी रानी चटर्जी है। जी हाँ, लगभग एक दशक से ऊपर रानी ने भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज किया है। क्या राज किया है जनाब, आज भोजपुरी इंडस्ट्री की वो रानी बनी हुई है। जी हाँ, नाम से ही नहीं वो तो दौलत शोहरत से भी रानी है भोजपुरी इंडस्ट्री की। बताया जाता है कि रानी 100 करोड़ से लेकर 120 करोड़ रुपए की मालकिन है। रानी ने अपने लंबे करियर के दौरान कई बेहतरीन फिल्में दी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, साथ ही साथ वो कई फंक्शंस में भी यानी कि कई स्टेज शो भी करती आई हैं। आपको यहाँ बता दें कि रानी चटर्जी एक वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री की डिमांड हुआ करती थी। हर बड़ा निर्देशक प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लिया करता था और रानी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि रानी चटर्जी आज रानी बनकर भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं। इनके पास है लग्जरी कारें, अच्छा खासा बैंक बैलेंस और मुंबई के मीरा रोड जैसे इलाके में बंगले और कई फ्लैट्स। तो इन सब की कीमत का आंकड़ा अगर लगाया जाएगा तो 100 करोड़ से लेकर 120 करोड़ तक का होगा और जिसके लिए रानी भोजपुरी इंडस्ट्री की बनती है सबसे अमीर एक्ट्रेस। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।